मिलेगी अमेजोन प्राइम की फ्री मेंबरशिप 30 दिन तक के लिए। कैसे मैं बताता हूँ, दो ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। देख सकते हैं मुझे मिल चुका है 30 दिन का फ्री ट्रायल, जिसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोनॉलेज चैनल। और इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अमेजोन प्राइम की फ्री मेंबरशिप के बारे में, कैसे आपको मिलेगी। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेजोन पे इन दिनों चल रहा है रिपब्लिक सेल, और ऐसे में दोस्तों अमेजोन लेकर के आया है ऑफर जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को फ्री ट्रायल दिया जा रहा है। 30 दिन की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। अमेजोन प्राइम मेंबरशिप के क्या फायदे हैं दोस्तों, वो तो सबको पता ही है, इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मगर दोस्तों ये जो ऑफर है बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को 30 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है उन्हें कैसे मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस दो ट्रिक को आपको अप्लाई करना है और आपको भी फ्री ट्रायल मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। 0 रुपए में आप बेनिफिट ले सकते हैं अमेजोन प्राइम मेंबरशिप के। पूरी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहे हमारे साथ वीडियो में वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। Amazon Prime की 30 दिन की मेंबरशिप फ्री में लेने के लिए सबसे पहले मैं अपने स्मार्टफोन में Amazon Pay एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि होम पेज पे मुझे Amazon Pay की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफर शो नहीं कर रहा है जिसके अंदर मुझे 30 दिन का फ्री ट्रायल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ्री ट्रायल लेने के लिए दो ट्रिक को अप्लाई किया था, जिसमें से एक ट्रिक काम आ गई है। तो अब यहाँ पे जो ऑफर है वो कैसे मिलेगा, तो ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइम का जो सेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें Amazon Pay का जो फ्री ट्रायल है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उससे पहले दोस्तों हमें होम पेज पे ही देखने के लिए मिल जाता था, मगर अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्राइम के सेक्शन के ऊपर आना होगा तभी आपको देखने के लिए मिलेगा। वेल, इसके लिए भी आपको एक ट्रिक को अप्लाई करना होगा। सिंपली दोस्तों इस फ्री ट्रायल को लेने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं 30 डे फ्री ट्रायल, जिसके लिए मुझे अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो इसके लिए मुझे 2 रुपए चार्ज देने होंगे, जो कि वापस से ऐड हो जाएंगे, यानी कि रिफंडेबल है ये चार्जेस। मगर दोस्तों मैं यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं करने वाला हूँ और ना ही डेबिट कार्ड से, यहाँ पे मैं पेमेंट करने वाला हूँ UPI से। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि UPI का भी ऑप्शन अब हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे UPI एप्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मुझे अपनी UPI ID को एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में मुझे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं जिस UPI ID का यूज करने वाला हूँ वो है पेटीएम की UPI ID दोस्तों, क्योंकि मैं पेटीएम की UPI ID इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पेटीएम वॉलेट में कम पैसे रखता हूँ। पेटीएम की UPI ID एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो UPI ID है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है, और इसके बाद में मैं नीचे आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन है देखने के लिए मिल रहा है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आपका जब फ्री ट्रायल खत्म हो जाएगा तो आपको 3 दिन पहले ही रिमाइंडर कर दिया जाएगा कि भैया आपकी मेंबरशिप खत्म होने वाली है। अगर आप ऑटो रिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऑटो रिन्यू होती है तो यहाँ पे आपको 1499 रुपए की पेमेंट करनी होगी, जो कि ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट हो जाएगी, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों जब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने के बाद में हमें हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, तो यूज दिस एड्रेस के ऊपर मैंने कर दिया है क्लिक। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं Amazon Pay की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन मिली है कि कंप्लीट योर पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो मुझे पेटीएम की तरफ से आई है, जो कि मेरे दूसरे स्मार्टफोन में आई जिससे कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जब आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना है सक्सेसफुली, यहाँ पे आपका जो पेमेंट है उसे शेड्यूल करना है। और जब आपकी पेमेंट शेड्यूल हो जाती है तो यहाँ पे आपको राइट टिक देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कि आपकी जो पेमेंट है वो शेड्यूल हो चुकी है, आपने फ्री ट्रायल ले लिया है 30 दिनों का। और इसके बाद में दोस्तों आप तैयार हो जाते हैं Amazon Prime के बेनिफिट के लिए। Amazon Prime मेंबरशिप लेने के बाद में जो भी बेनिफिट मिलते हैं, जितने भी बेनिफिट मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ उन दो ट्रिक के बारे में जिसे अप्लाई करके मैंने Amazon Prime का फ्री ट्रायल लिया है, 30 दिन की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में ली है। तो शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 ट्रिक से। तो सबसे पहली जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि आप अपने फोन में Amazon Pay एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, 2 से 3 सेकंड तक उस पर होल्ड करके रखना है। तो आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन है ऐप इन्फो का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको स्टोरेज का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लियर डाटा कर देना है।
क्लियर डाटा करने के बाद में दोस्तों आपको इसी एप्लीकेशन को दोबारा से रीओपन करना है, वापस से फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल करके एंटर कर जाना है और वहां पे आपको 30 दिन का जो फ्री ट्रायल ऑफर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों जिन लोगों ने पहली ट्रिक को अप्लाई किया है मगर फिर भी उन्हें अमेजोन प्राइम का फ्री मेंबरशिप या फिर फ्री ट्रायल नहीं मिला है तो वह कैसे मिलेगी, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे है दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अमेजोन पे एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में दोबारा से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक नए फोन नंबर या फिर एक नई ईमेल आईडी से एक नए अकाउंट को बना लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। केवल 3 से 4 मिनट के अंदर आपका एक नया अकाउंट बन जाएगा और जैसे ही आपका एक नया अकाउंट क्रिएट होता है तो दोस्तों 100% चांस है आपको फ्री ट्रायल मिलने का। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप को ले सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के, और साथ ही दो ट्रिक को भी आपके साथ में शेयर किया है जिससे कि आपको अमेज़न प्राइम का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।